सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो आज हम बात करने जा रहे हैं लैम्बोर्गिनी एवेंटाडोर। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो मैं आपको बता दूं कि हम इस चैनल के ऊपर ऑटोमोबाइल्स, टेक्नोलॉजी एंड ऑल दैट स्टफ के बारे में बातें करते हैं और रिव्यूज को शेयर करते हैं, अपना एक्सपीरियंस बताते हैं। तो अगर आपका भी कोई एक्सपीरियंस है और कुछ भी, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो चलो अब हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो जो लैम्बोर्गिनी एवेंटाडोर के जो हमारी की स्पेसिफिकेशंस हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि जो कंपनी माइलेज को बताती है वो बताती है कि ये 7.69 km पर लीटर, ठीक है। और जो फ्यूल टाइप है इसका पेट्रोल है। मैक्सिमम जो पावर इंजन देता है वो हमको देता है 759 BHP की पावर मिलती है हमको 8500 RPM पे, ठीक है। सीटिंग कैपेसिटी इसकी सिर्फ दो ही है, टू सीटर कार है ये। बूट स्पेस जो हमको लीटर मिलते हैं 110 है। और जो उसका बॉडी टाइप है वो कॉप बॉडी टाइप है इसका। तो जो कंपनी सिटी माइलेज को जो कम क्लेम कर रही है वो क्लेम कर रही है 3.22 किलोमीटर पर लीटर की। और जो इंजन डिस्प्लेसमेंट है वो है 6498, ये कुछ टेक्निकल्स हैं। और मैक्सिमम टॉर्क जो इसका है वो है 720 नैनोमीटर, 6750 RPM पे हमको ये मिल जाता है। तो ट्रांसमिशन टाइप इसका ऑटोमेटिक है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी जो है वो इसकी 90 लीटर्स की। तो अब जरा हम इसकी की स्पेसिफिकेशंस की बात कर लेते हैं जो इसके साथ आते हैं। पावर स्टीयरिंग व्हील मिलता है हमको, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है, ड्राइवर एयर बैग मिलते हैं, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है, मल्टी फंक्शन स्टीयरिंग व्हील है इसके अंदर, अलॉय व्हील्स है, पैसेंजर एयर बैग है, एयर कंडीशनर मिलता है, पावर विंडोज फ्रंट पे मिलती है, ठीक है। तो अब हम इसकी अगर हम इंजन की बात करते हैं और ज्यादा इंजन के अंदर घुसते हैं तो जो इसका इंजन टाइप है वो V12 है, ठीक है। V12 इंजन है इसका, MPI पेट्रोल इंजन है। जो डिस्प्लेसमेंट है वो 6498 है, पहले भी बताया। मैक्सिमम पावर जो है 759, मैक्सिमम टॉर्क जो है 720 नैनोमीटर एट 6750 RPM पे मिल जाती है। नंबर ऑफ सिलेंडर इसके 12 है, ये V12 का मतलब 12 सिलेंडर इंजन है। तो जो इसका वॉल पर सिलेंडर है वो 4 है और वॉल कॉन्फ़िगरेशन जो है DOHC है इसकी। तो फ्यूल सप्लाई सिस्टम MPI है, तो भी ये सब तो चलो। हाँ, इसका जो गियर बॉक्स है वो 7-speed है और जो ड्राइव टाइप है वो फॉरवर्ड है, 4WD, ओके। और क्लच टाइप इसका ड्राई डबल जो है प्लेट। तो ये कोई नई टेक्नोलॉजी है इनकी। तो अब हम इसके इंटरटेनमेंट सिस्टम की बात कर लेते हैं। मेन चीज तो इंटरटेनमेंट सिस्टम ही है। तो इसके अंदर सीडी प्लेयर डलता है क्या? जरूर डलता है। इसके अंदर सीडी प्लेयर है, इसका सीडी चार्जर है, डीवीडी प्लेयर भी डलेगा, रेडियो है इसके अंदर। ऑडियो सिस्टम रिमोट कंट्रोल नहीं आता है इसके अंदर। स्पीकर जो फ्रंट पे हैं वो हैं और स्पीकर रियर पर भी हैं। इंटीग्रेटेड 2 DAN ऑडियो है इसके अंदर। USB ऑक्सिलरी इनपुट है एंड ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है। और टच स्क्रीन नहीं है इसके अंदर। इतनी महंगी कार होने के बाद टच स्क्रीन नहीं मिलती यार, क्या बात है। अब हम जो सबसे बड़ी चीज है सेफ्टी। भाई हम कार लेंगे तो सबसे पहले सेफ्टी को तो देखेंगे ना। तो उसके अंदर जो हमको सेफ्टी मिल जाती है, फीचर्स मिलते हैं लैम्बोर्गिनी में वो मिलते हैं। एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाता है, ब्रेक असिस्ट है, ओबीएस है तो चाहिए चाहिए, सेंट्रल लॉकिंग मिल जाती है, पावर डोर लॉक्स हैं, चाइल्ड सेफ्टी लॉक्स जो है वो है ही नहीं। इतनी महंगी कार और चाइल्ड सेफ्टी लॉक्स है ही नहीं। एंटी थेफ्ट अलार्म, क्या बात, इतनी महंगी कार है ये भी नहीं है। और नंबर ऑफ एयर बैग्स जो है इसके अंदर वो 5 है। ड्राइवर एयर बैग भी है, पैसेंजर एयर बैग भी है, साइड एयर बैग जो फ्रंट पे है वो भी है, एंड जो अपना साइड एयर जो एयर बैग होता है ना रेयर के वो नहीं है। डे एंड नाइट रेयर व्यू मिरर वो भी है, पैसेंजर साइड रेयर व्यू मिरर एंड डोर अजार वार्निंग, ओके। जब हम ये वो होते हैं, जब हम मतलब डोर खुला रह जाए तो कुछ इस तरह से उनको वार्निंग मिल जाएगी। और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग भी है इसके अंदर। व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल सिस्टम हो तो चाहिए चाहिए, इतनी फास्ट स्पीड पे कैसे कंट्रोल करेंगे। फिर क्रैश सेंसर है एंड सेंट्रली माउंटेड फ्यूल टैंक। और भी काफी कुछ है इसके अंदर, अगर मैं ऐसे बोलता रहूंगा ना तो वीडियो बहुत ही वो हो जाएगी, क्या कहते हैं उसे, बोरिंग सी। तो ज्यादा से ज्यादा अब हम इसकी मेन चीज वो पैसे की बात कर लेते हैं। तो पैसा सबसे पहला कहाँ पर लगता है गाड़ी के अंदर, वो लगता है उसका वो कितना ईंधन पी रही है। तो फ्यूल टाइप इसका पेट्रोल है। माइलेज जो इसकी आती है वो आती है 7.69। फ्यूल टैंक कैपेसिटी जो है 90 लीटर है एंड इमिशन नॉर्म कंप्लायंस जो है BS6 है इसका, BS6। और टॉप स्पीड जो हमको मिलती है 350 km/h की स्पीड मिलती है। तो इसका अब हम जो तो स्टेयरिंग व्हील है ऑब्वियसली वो पावर ही है। और अब हम इसके प्राइस की बात कर लेते हैं, कितने की मिलती है अगर हम इसके ऊपर बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। तो ये हमको ऑन रोड प्राइस इसका मिलता है 5 करोड़ से लेके अप्रोक्सीमेट 7 करोड़, 5 करोड़ to 7 करोड़ के आसपास हमें ये कार ऑन रोड पड़ती। तो वैसे तो हम तो सिर्फ बातें कर सकते हैं, लेने वाले लेते हैं फिलहाल।
काफी अच्छी कार है और दिल जीतती है लोगों का, जहां भी जाते हैं इंप्रेशन मिलते हैं। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है सो 2 लाइक सब्सक्राइब टू दी चैनल, तो आगे आने वाले टाइम पे भी हम और भी काफी रिव्यूज एंड वगैरह शेयर करेंगे और आपको मौका मिलेगा इस चैनल के ऊपर आने का अपनी कार का रिव्यू देने के लिए। वॉट एवर यू आर हैविंग 2 व्हीलर और 4 व्हीलर, तो आप रिव्यूज देंगे इस चैनल के ऊपर। तो लेट्स बिल्ड अ बिग कम्युनिटी। सो 2 लाइक सब्सक्राइब टू दी चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। सो बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।